बादली हल्के के गांव बुपड़िया में दर्जनों किसानों द्वारा करीबन 15 एकड़ गेहूं की फसल को किया गया नष्ट। आपको बता दें कि राकेश टिकैत द्वारा दिए बयान के पश्चात फसल बर्बाद किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दोपहर के समय बुपड़िया गांव के दर्जनों किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और वहां पर समझाने के लिए गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया पहुंचे और उन्होंने आह्वान किया कि खड़ी फसल पर ट्रैक्टर न चलाएं। किले रखेंगे ये सारे खानता ही और सब लगाओगे भाई ये मानते को बंद क्यों कर दिया अपने काम के गरीब डॉक्टर साहब। मैं तो मान गया विनोद की आपकी बेटी की ये भैया रे है पर ये तो बात और तो है गुस्सा नहीं होता। इतनी बढ़िया गेहूं रहे मेरे यार ये 20 किलो क्यों न दिया बाल आ रही है प्रधान जी देखिए पर क्या करा ना मानते थे गवर्नमेंट मानती नहीं गवर्नमेंट की गल फिर ये भी ना मानते मैं आज कहना चाहूंगा जो बुपनी गांव में पूरे में रोष है भाई साहब 10-5 जमींदार केएमपी से परली तरफ भी गए हुए हम वहाँ भी जाएंगे हम भाइयों को समझाएंगे जो ये सरकार के ने तीनों काले कानून थोप रखे इसके प्रति किसान में बहुत ज़्यादा रोष है और किसान का जो ये कहते हैं भाई एक महीने में पेमेंट कर दें तीन चार महीने में पेमेंट नहीं आती कई कारणों के कारण जो तीनों बिल हीन के कारण भी और किसानों को पेमेंट नहीं तो आज हर एक किसान जो 3 महीने से लगातार बॉर्डरों पे बैठा हुआ आज इनमें बहुत ज़्यादा रोष है दुख है और ये बाने के लिए पूरा गांव आज काफ़ी ट्रैक्टर रोड पर जा चुके हैं। आप देख रहे हैं एक दो टहरो ट्रैक्टर और आने लग रहे हैं तो हम पूरे गांव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम जितना भी होगा हम गांव को समझाएंगे और बाने नहीं देंगे जमीन को।